यूपीए की सरकार ने 126 हवाई जहाज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट निकाला। फ्रांस की एक कंपनी ने, डसॉल्ट कंपनी ने राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान को बेचा। मोदी चोर नहीं, चौकीदार। राफेल हवाई जहाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अच्छी तरह सुनो, क्योंकि मैं आपको सच्चाई और एक हथियार दे रहा हूं। 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज, 126 हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट, 70 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हवाई जहाज बना रही है। 65 की लड़ाई में नैट हवाई जहाज ने पाकिस्तान को हराया, नैट हवाई जहाज को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। 71 की लड़ाई में MiG-21 हवाई जहाज पाकिस्तान को हराया, HAL ने हवाई जहाज बनाया। कारगिल में MiG-29 हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज HAL ने बनाया। 70 साल से हवाई जहाज बना रहे हैं, एक्सपीरियंस है। यूपीए की सरकार ने कहा था, फ्रांस की कंपनी से कहा था देखिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले 526 करोड़ का हवाई जहाज, दूसरी बात ये फ्रांस में नहीं बनेगा, ये हिंदुस्तान में बनेगा, और हिंदुस्तान के युवाओं को HAL की फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिस्टम्स इंजीनियर्स, फ्लूइड इंजीनियर्स, एरोस्पेस इंजीनियर्स को HAL की फैक्ट्री में दुनिया का सबसे हाई टेक्नोलॉजी का जहाज बनाने का मौका मिलेगा। बात मंजूर हो गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। अनिल अंबानी के साथ, और आप चेक कर लीजिए, पब्लिक रिकॉर्ड है, अनिल अंबानी के साथ नरेंद्र मोदी फ्रांस जाते हैं, उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी उनके साथ जाते हैं। 526 करोड़ का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी 1600 करोड़ रुपए में खरीदता है। फिर से दोहराता हूं, 526 करोड़ का हवाई जहाज हिंदुस्तान का चौकीदार 1600 करोड़ रुपए में खरीदता है। अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी भाई और बहनों हवाई जहाज नहीं बनाया है। मिग छोड़ो, सुखोई छोड़ो, मिराज छोड़ो, नैट छोड़ो, उसने कागज का भी हवाई जहाज शायद ना बनाया हो। भाई और बहनों, HAL ने 3000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार को लौटाया है। अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया हुआ है, उस पर कर्जा है, वापस नहीं लौटाता है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी कंपनी बनाता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि अनिल अंबानी को ना फ्रांस की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ना राफेल हवाई जहाज बनाने वाली डसॉल्ट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। हमें तो सीधा बता दिया गया था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि अगर राफेल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। चौकीदार, 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 अब सुनिए, मैंने मोदी जी के सामने बोला पार्लियामेंट हाउस में, मोदी जी आपने HAL से छीनकर, हिंदुस्तान के शहीदों से छीनकर, हिंदुस्तान की वायु सेना से छीनकर,
इस चोर को अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? आपने हिंदुस्तान के पायलट्स का अपमान क्यों किया? आपने हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों छीना? 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 10 दिन पुरानी कंपनी है, जिंदगी भर इसने हवाई जहाज नहीं बनाया। 5 से 8 मिलाकर कभी प्रधानमंत्री उधर देखें, कभी यहां देखें, कभी साइड में देखें, कभी नीचे देखें, आंख में आंख चौकीदार नहीं मिला पाया। मित्रों, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। आपको यह नहीं बताया कि जनता का चौकीदार नहीं है, युवाओं के चौकीदार नहीं है, किसानों के चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी के चौकीदार है। हम दिल्ली से छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ में आपके चीफ मिनिस्टर